में सबसे अच्छी दवा है चाइना 30, दूसरी दवा है कार्बोवे कैलकेरिया कार 200। चाइना 30 एक बार 5 बूंद एक गिलास बॉयल गुनगुना पानी में ले, फिर आधे घंटे के बाद कैल्केरिया कार्ब 200। चाइना 30 और कैल्केरिया कार्ब 200 लेने से गॉल ब्लैडर स्टोन धीरे धीरे गलने लगता है। अगर पेशाब पीला हो रहा है तो उसके लिए चेलिडोनियम क्यूब लेने से पेशाब पीलापन एक ही दिन में 5 बूंद बॉइल्ड गुनगुना पानी में 5 बूंद दवा लेने से दिन भर में 5-6 बार ले, उससे पेशाब पीलापन गायब हो जाता है और गॉल ब्लैडर स्टोन भी गलने लगता है। 1-2 महीने में पूरा गॉल ब्लैडर स्टोन गल जाता है। इसके अलावा कार्डुअस मेराइनस 30 या क्यू माने 0 नंबर, कार्डुअस मेराइनस क्यू लेने से लीवर में जो स्वेलिंग रहती है वो भी ठीक हो जाता है। जॉन्डिस कवल भी ठीक होने लगता है और गॉल ब्लैडर स्टोन भी गलने लगता है। कोलेंजाइटिस जो लीवर में सूजन हो जाता है उसमें भी काफ़ी आराम है जल्दी। के अलावा कोलेस्ट्रिनम 3x, कोलेस्ट्रिनम 3x में सिरोसिस लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा है। उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन भी होता है और सिरोसिस लीवर भी हो जाता है, लीवर एकदम पत्थर की तरह से कड़ा हो जाता है तो लीवर बड़ा भी हो जाता है, अवल भी रहता है, जॉन्डिस फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली में जो पथरी बनता है वो भी गलने लगता है। कोलोसिंथ 200, उसमें दर्द बहुत तेज आसानी दर्द होता है, उसके लिए कोलोसिंथ 200 5 बूंद एक गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में दिन भर में 5-6 बार लेने से काफ़ी जल्दी आराम हो जाता है। लाइकोपोडियम 200 मेटियोरिज्म एंड फ्लैटलेंस, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, टेस्ट मुंह का ख़राब हो जाता है, बिटर रहता है, माउथ में बिटरनेस तीतापन रहता है, बैड ह्यूमर चिड़चिड़ापन बहुत होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। इसके लिए लाइकोपोडियम 200 एक कप बॉइल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। नक्स वोमिका 200, उसमें कंस्ट्रिक्शन पेट में दर्द होता है, कंजेशन उल्टी मालूम होता है बार बार, बीड़ी सिगरेट पीने वालों के लिए, दिमागी काम करने वालों के लिए नक्स वोमिका 200 लेने से बहुत जल्दी आराम हो जाता है। गैस्ट्रो ड्यूडेनल कैट्रा कॉन्स्टिपेशन में भी काफ़ी आराम हो जाता है।
meteorism, swelling of abdomen, flatulent, gas banne.